बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल हेतु 18 नवंबर को शाम 3:33 पर बंद हो जाएंगे। आज मंगलवार विजयदशमी के अवसर पर बद्रीनाथ मंदिर परिसर में आयोजित धार्मिक समारोह में रावल ईश्वर प्रसाद नम्बूदरी ने आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी को साक्षी मानकर कपाट बंद करने की तिथि की घोषणा की है। इससे पहले धर्माधिकारी राधाकृष्ण थपलियाल ने पंचांग गणना की और वेद पाठी रविन्द्र भट्ट सहित वेदाचार्यों ने स्वास्ति वाचन किया। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कपाट बंद होने की तिथि घोषित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की और विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कपाट बंद होने तक तीर्थ यात्रा सुचारू ढंग से संचालित होगी। अपने जारी बयान में मुख्य कार्याधिकारी योगेंद्र सिंह ने कहा कि इस बार बद्री केदार यात्रा में रिकॉर्ड 34 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों ने दर्शन कर लिए हैं। वहीं BKTC मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि कपाट बंद की प्रक्रिया के तहत पहले पंच पूजाएं शुरू हो जाएंगी। 14 नवंबर को गणेश जी के कपाट बंद होंगे। 15 नवंबर दिन में आदि केदारेश्वर मंदिर कपाट बंद होंगे। 16 नवंबर तीसरे दिन खड़क पुस्तक पूजन के बाद वेद ऋचाओं का पाठ बंद हो जाएगा। चौथे दिन 17 नवंबर को लक्ष्मी जी को कढ़ाई भोग और पांचवे दिन 18 नवंबर को रावल जी स्त्री भेष धारण कर लक्ष्मी माता को भगवान बद्री जी के सानिध्य में रखेंगे और उसके बाद शाम 3:33 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद हो जाएंगे। 2023 भगवान बद्री विशाल जी की पूजा निश्चय पूजा पूर्ण करके देवता पूजा के लिए समर्पित करने के लिए अच्छा दिन नवंबर 18 का बद्रीनाथ से कमल लैन की रिपोर्ट।